वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल व्लॉग्स। सो आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया इस बाइक का मतलब स्कूटी का माइलेज टेस्ट का वीडियो। तो मेरा पास है एंटॉर्क BS7 मॉडल, तो नया ब्रांड न्यू निकाल के लाया, लगभग 2-4 दिन हुआ है इसको निकाल के लाया हुआ डीलर से। तो आज हम लोग इसी का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, तो एक भी सर्विसिंग नहीं हुआ है अब तक। तो इसी का ऊपर हम लोग बिना सर्विसिंग का कितना का माइलेज देता है एंटॉर्क, उसके पहले हम लोग टेस्ट करेंगे। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा है और पूरा फ्यूल भी पूरा गया हुआ है, पूरा ख़त्म कर दिया है फ्यूल। तो आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो ये चेक करें पूरा फ्यूल ख़त्म हो चुका है, तो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग पहले करेंगे यहाँ पे होगा ट्रिप 1 36 किलोमीटर दिखा रहा है, इसको करेंगे 0, यहाँ से 0 करके फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी फटाफट से करते हैं फ्यूल अप, मतलब पेट्रोल भराते हैं। तो मेरा पास है यहाँ पे 1/2 लीटर पेट्रोल, तो हम लोग 1/2 लीटर पेट्रोल से माइलेज टेस्ट करने वाले हैं कितना का माइलेज देता है, क्योंकि 1/2 लीटर पेट्रोल भराएंगे फिर इसको ×2 कर देंगे। और इसका पहले मैंने किया था NS200 BS7 का माइलेज टेस्ट, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। तो NS200 दिया था, BS7 मॉडल जो है वो दिया था आपका 46 का माइलेज 1 लीटर, मतलब 1/2 लीटर टेस्ट किया था तो 1 लीटर में निकला था 46 का माइलेज, और वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो फटाफट भरा से हैं हम लोग पेट्रोल, सो सारा जुगाड़ लेके घूम रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पाइप भी है पेट्रोल निकालने के लिए, यहाँ पे भी पेट्रोल है, तो अभी हम लोग फटाफट से भराते हैं पेट्रोल यहाँ पे। तो यहाँ पे भर रहा है 1/2 लीटर पेट्रोल, तो ये भर गया 1/2 लीटर पेट्रोल। और यहाँ पे मेरा साथ अनुरोध मेरा भाई, और ये भी विष्णु भाई, तो हम लोग आए थे इसका घर पे, तो यहाँ पे पेट्रोल खत्म हुआ है। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, तो रख दिया हम लोग डिक्की में। और अभी बाइक स्कूटी को मतलब बाइक बोल के आदत है, तो अभी हम लोग स्कूटी को स्टार्ट करके देखने वाले हैं कि स्टार्ट होता है कि नहीं। तो हो गया स्टार्ट स्कूटी, तो यहाँ से होने वाला है माइलेज टेस्ट स्टार्ट। तो हम लोग पहले करते हैं इसको 0। सो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया ट्रिप बी को, यहाँ पर ट्रिप बी है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ट्रिप एफ है, ट्रिप बी यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रिप बी हो गया 0। तो ट्रिप बी पे हम लोग देखेंगे कितना किलोमीटर चलता है। तो ट्रिप एफ आ रहा है लेकिन ट्रिप बी में आएगा, क्योंकि ट्रिप बी हम लोगों ने 0 कर लिया। तो यहाँ से स्टार्ट होगा माइलेज टेस्ट का वीडियो, सो अभी निकलते हैं थक। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग पीछे आए, तो रहा हुआ, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से हो रहा है माइलेज टेस्ट स्टार्ट, 36.1 किलोमीटर यहाँ पर दिखा रहा था थोड़ा पहले। तो यहाँ से हो रहा है माइलेज टेस्ट स्टार्ट, तो अभी हम लोग है जोखला बंदा में, तो मेन रोड जाएंगे हम लोग। तो व्यू कैसा आ रहा है आप लोग बोलिएगा गाइस। तो वीडियो थोड़ा भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव होके, गांव का रास्ता होके जा रहे हैं। तो मेन रोड में निकलेंगे, थोड़ा दूर है यहाँ से, तो रोड भी इतना ख़राब नहीं है, ठीक ही है रोड। हम लोग आके पहुंच चुके हैं जोखला बंधा, तो ये है जोखला बंधा, हम लोग जाएंगे अभी लेफ्ट का तरफ इधर पे, मतलब तो हम लोग जाएंगे इधर पे। अभी यहाँ से सीधा जाना है घर का तरफ, तो बहुत देर हो चुका है। तो गाइस ये है हम लोग का जोखला बंधा टाउन, तो हम लोग बोलते हैं इसको JKB शॉर्ट फॉर्म में। तो चले चलते हैं यहाँ से, तो अभी बाइक चल गया लगभग आपका 4.3 किलोमीटर, ट्रिप बी में दिखा रहा है 4.3 किलोमीटर चल चुका है। तो भी हम
तो मतलब वहाँ से टाउन है 4 किलोमीटर, तो 4.3 किलोमीटर चल चुका है अभी यहाँ से। चलिए चलते हैं घर का तरफ। तो ज़्यादा धीरे धीरे नहीं जाएंगे, ज़्यादा धीरे जाने से भी देर होगा, तो थोड़ा स्पीड जाएंगे, मीडियम दो सब मिला के। जैसे हम लोगों ने NS पे टेस्ट किया था स्लो स्पीड सब, तो हम लोगों ने सोलो भी चला लिया, अभी थोड़ा स्पीड भी चला के देखने, तभी ना एक्यूरेट जो माइलेज है वो मालूम चलेगा कि कितना का दे रहा है। तो ये रहा कोलियाबर, हम लोग आके पहुंच चुके हैं कोलियाबर। तो यही है कोलियाबर, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक नहीं, बहुत ज़्यादा गाड़ी है अभी, इसलिए थोड़ा जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ, जल्दी भी जाना है घर पे। तो अभी बाइक लगभग चल चुका है, मतलब स्कूटी लगभग चल चुका है 12 किलोमीटर, आप लोगों को दिखाई मिल रहा है कि नहीं, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो टोटल चल चुका है 12 किलोमीटर, दिखाई मिल रहा होगा। तो कितना चलता है, 12 किलोमीटर चल चुका है 1.5 लीटर पेट्रोल में। तो अभी हम लोग आगे पहुँच चुके हैं कोलियाबर, तो इधर से आगे यहाँ से और 10 किलोमीटर है घर, तो देखते हैं कितना का माइलेज देता है हम लोग का एंटॉर्क BS7 मॉडल। और इस पे है आपका E20 इथेनॉल का जो पेट्रोल आने वाला है E20, तो वो सपोर्ट करेगा इसमें। अभी हम लोग चल रहे हैं 60 का माइल, 60 का स्पीड में, और हम लोग का गाड़ी चल चुका है अभी 15.1 किलोमीटर। तो ये चेक करें तो गाड़ी चल चुका है पूरा 15.1 किलोमीटर, 15.3 किलोमीटर, ये चेक करें तो गाड़ी चल चुका है 15.3 किलोमीटर, यहाँ से अभी भी दूर है। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं मिर्सा, तो ज़्यादा देर नहीं लगा है, आधा घंटा लगा है, ज़्यादा देर नहीं, बहुत देर लगा है, आधा घंटा लग गया, मतलब 27 मिनट मिर्सा आके पहुंचते पहुंचते। तो यहाँ पे अभी हम लोग का रनिंग हो चुका है, टोटल आपका 21 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी और कितना चलता है देखते हैं हम लोग। तो NS तो दिया था 23 का माइलेज, मतलब 1.5 लीटर पेट्रोल में 23.3, और ये रह गया और 200 cc का बाइक, और ये हो गया आपका 125 cc का स्कूटी। तो इसमें कितना का माइलेज देते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो अभी और आगे जाएंगे, कितना आगे चलता है पेट्रोल जब तक ख़त्म नहीं होता है उतना दूर जाते रहेंगे। मिस मारना स्टार्ट हो चुका है, और ये रहा राइडर ग्रुप। तो स्कूटी मिस दे रहा है अभी, मतलब पेट्रोल ख़त्म होने का संदेह दे रहा है। ये रहा स्कूटी मिस जा रहा है, फिर मिस देगा। अभी हम लोग जा रहे हैं 80 का पिकअप में, और इधर भी स्कूटी मिस देते हुए, तो यहाँ से स्कूटी मिस देना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये मिस ना, ये देखिए पूरा थ्रोटल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका किल स्विच भी ऑन है, पूरा थ्रोटल दे रहा हूँ,
ना देखिए पूरा मतलब एक्सेलेटर पूरा दे रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है स्कूटी। तो ये चेक करेगा स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ख़त्म पेट्रोल। तो इधर पे किल स्विच है ऑन, तो यहाँ पे तेल हो चुका है ख़त्म, तो स्टार्ट हो गया फिर से। तो फटाफट पेट्रोल पंप का तरफ जाना पड़ेगा अभी, तो अभी भी इसमें जान है लेकिन पेट्रोल पंप पर तक ही शायद जाएगा, वहाँ उससे आगे जाने से थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर ख़त्म, फिर से मिस दे रहे हैं ख़त्म। अभी लगाना पड़ेगा स्कूटी को साइड में, गाड़ी है ख़त्म। तो यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया है पूरा, अभी तो रिस्टार्ट ही नहीं लेगा शायद। जाना स्टार्ट करने से आपका मिस दे रहा है, अभी क्यों ऐसा हो रहा है नहीं मालूम। तो स्टार्ट तो फिर से ले लिया लेकिन अभी फिर से मिस नहीं देने से हुआ, बस पेट्रोल पंप तक ख़त्म। देखिए थोड़ा ही दूर जा रहा है बस, ना नहीं हो विष्णु। ना फिर से ख़त्म हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। अभी फिर से देखते हैं कितना दूर जाते हैं हम लोग, कितना दूर जा पाते हैं इतना सा पेट्रोल पे लोग, वो देखते हैं। टिफू तक ख़त्म, फिर से मिस, फिर से। फिर से स्टार्ट, तो हम लोग झटका दे दे के भी चला रहे। ना जा तो ख़त्म, फिर से ट्राई, थोड़ा दूर चला है फिर भी स्टार्ट। तो फिर से जाएंगे, कितना दूर चलता है देखते हैं। तो अभी फिर से चलने लगा स्कूटी, ख़त्म यहाँ पे। तो थोड़ा दूर दूर जा जा के ख़त्म हो जा रहा है पेट्रोल। तो आप लोग चेक करेगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहा है स्कूटी इस पेट्रोल के साथ, तो यहाँ पे ख़त्म। तो स्कूटी को लगाते हैं यहाँ पे साइड पे, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ तक ही माइलेज दिया स्कूटी ने, तो कितना दिया आप लोग को दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने किया था ट्रिप बी को 0 में, और यहाँ पे निकल कर आया 24 का माइलेज, एंटॉर्क 125। तो यहाँ पे दिया आपका 24 का माइलेज दिया है एंटॉर्क ने। तो ये चेक करें, 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, 24 का माइलेज दिया है टोटल। तो हम लोगों ने भरा था इसमें आपका हाफ लीटर पेट्रोल, तो हम लोग का हाफ लीटर पेट्रोल में निकल कर आया है आप लोग का माइलेज 24। तो इनको अगर हम लोग इंटू 2 कर देते हैं तो इसका माइलेज आता है आपका 48। तो एंटॉर्क BS7 का जो मॉडल है वो भी बिना नंबर प्लेट का डीलर से निकाल के लाया हुआ आपका 1-2 हफ्ता, जो मतलब 1-2 वीक हुआ होगा, 1 वीक जैसा हुआ होगा डीलर से निकल के लाया है। तो इसको हम लोगों ने माइलेज टेस्ट किया, तो इसका माइलेज निकल कर आया है आपका 48 किलोमीटर। तो कैसा लगा आप लोगों को माइलेज एंटॉर्क BS7 का, तो आप लोग जोर से बोलेगा। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे E20 लिखा हुआ है, तो ये रहा E20, जो E20 का पेट्रोल सपोर्ट करता है। तो यही है BS7, जितना भी BS7 गाड़ी आ रहा है सारा में ये वाला सपोर्ट आ रहा है। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, कैसा लगा आप लोगों को माइलेज टेस्ट का वीडियो आप लोग जोर से कमेंट में बोलिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा बाइक या स्कूटी का ऊपर माइलेज टेस्ट का वीडियो चाहिए आप लोग जोर से बोलिएगा, उसका ऊपर ही वीडियो आएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो एंटॉर्क लवर है उसको भी ये वाला वीडियो जोर से शेयर कर दीजिएगा।